हैंड टूल और एरो टूल के बाद बारी आती है रोटेशन टूल, लिंक टूल और डीलिंक टूल की। इनको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को पढ़ते हैं, फिर ये टूल इनके ऊपर अप्लाई होंगे। तो पहले हम टेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। ये जिसके ऊपर आइन लिखा हुआ ये इसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, और उससे नीचे जो वाला ऑप्शन है इसे कहते हैं टाइटल बॉक्स। दोनों ही टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको क्लिक करते हैं और इसको ड्रा करते हैं। देखिए इसको हम जिस मर्जी डायरेक्शन में ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको ड्रा करते हैं ये दोनों तरफ से बढ़ रहा है, और जब हम इसको ड्रा करते हैं तो ये देखिए कि ये सिर्फ लेफ्ट राइट मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल बढ़ेगा, नीचे की तरफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों बॉक्सेस इस तरह ड्रा कर सकते हैं। अब इनके अंदर लिखना है हमें, दोनों के अंदर लिख सकते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ये लिख लिए, ठीक है। अब हम जिससे ही इसके अंदर लिखते जाएंगे, ये जो हमारा बॉक्स है ऑटोमेटिक आके इंक्रीज नहीं होगा। जैसे कि ये देखें यहाँ पे लिख रहे हैं, और जैसे इसकी स्पेस ख़त्म हुई है, एक यहाँ पे नीचे रेड कलर का आ गया, भाई इसकी स्पेस ख़त्म हो गई, आगे नहीं लिख सकते, ये ऑटोमेटिक आगे इंक्रीज नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जैसे ही हम लिखेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक तो दोनों में ये फ़र्क हो गया। फर्स्ट वाला कौन सा है, ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये है टाइटल बॉक्स। हम टेक्स्ट के अंदर कहीं भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट के दरमियान, तो हम ये बॉक्सेस यूज़ करेंगे टेक्स्ट को लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक तो ये फ़र्क हो गया, और जैसे ही हम हैंड टूल पे आते हैं, हैंड टूल के ऊपर एरो टूल पे आते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखिएगा इसके ऊपर ये चारों तरफ ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आप इसको किसी भी पॉइंट से पकड़ के किसी भी तरफ बढ़ा सकते हैं, ये ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं होगा, आपको इस तरह पकड़ के कम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी नोट से पकड़ के आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह। लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इसमें देखिएगा नोट सिर्फ लेफ्ट राइट आए हैं, आपको चारों तरफ नहीं मिले। आप इसको सिर्फ लेफ्ट राइट में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और किसी डायरेक्शन में कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इस तरह जो है आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने अगर लिखना है तो आप राइटिंग मोड में जाएंगे और इनके अंदर लिखना शुरू कर देंगे। ये जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा, और ये ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं होगा, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दो बॉक्स थे जिसको हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप इनकी सेटिंग करना चाहते हैं, इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एरो टूल के ऊपर, और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखें ये सारी की सारी सेटिंग आ गई है जो हमने पेज के ऊपर अप्लाई की थी। फिर आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो है आप इसको फिल कर सकते हैं किसी भी पैटर्न के साथ करना चाहें तो, दोनों बॉक्सेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इसके अंदर आप कॉलम बना सकते हैं, इस तरह कॉलम बना कर लिख सकते हैं। यहाँ से कॉलम के दरमियान स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे हमने पहले की थी, ठीक है। ये वाली स्पेस, ये जो है दरमियान में स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 कर देता हूँ तो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको क्या बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर की थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह, और यहाँ से आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। ये वही सेटिंग है जो हमने पहले अप्लाई कर चुके हैं, आपको पहले लक्ष्य में बता चुके हैं। इस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप नन कर दें। इस तरह बॉर्डर इनसाइड आउटसाइड यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है मैं 70 कर देता हूँ, और यहाँ पे 70 ऑलरेडी है बल्कि कर देते हैं, क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका साइज़ इस तरह छोटा हो जाएगा, या आप इसको ड्रैग करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह ये पोजीशन के लिए होता है, आप पोजीशन यहाँ से चेंज कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर लिखेंगे तो आपको मसला होगा। इसी तरह ये दोनों सेटिंग हम दोनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बॉक्स जो है टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ये टाइटल बॉक्स है, ये ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं होता, ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाता है। इसको बढ़ाने के लिए हमें जो है एरो टूल का यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेलेक्ट करके नॉट्स पकड़ के इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये सिर्फ लेफ्ट राइट में आप कर सकते हैं इसको, और इसको आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। ये तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।